मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप एक सम्मानित धर्म गुरु हैं, आपसे इस पूरे मसले पर आपका पक्ष जानने की कोशिश की जा रही है। मैं तो बार बार मुस्लिम पक्ष से एक ही अनुरोध करता हूं कि न्यायालय में मामला पेंडिंग है, उस न्यायालय के जजमेंट को आने दीजिए। अभी केवल जजमेंट जज साहब, ठीक है ठीक है, हाफिज नूर साहब आप कुछ कह रहे थे, पूजा करने का निर्देश दिया है। हाफिज नूर कुछ कहना चाहते थे, एक बार सुन लेते हैं। जिसे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, और रंगरेज साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनको भी कहता हूँ कि मुस्लिम पक्ष को इनको समझाने, ठीक है ठीक है। राजकुमार शास्त्री जी, ये शांति एक काउंटर आपका ले लेते हैं, क्योंकि हाफिज नूर साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। नूर साहब बोलिए। मुस्लिम पक्ष जो है, मुस्लिम पक्ष कल भी कोर्ट के इंतजार में था, कोर्ट के फैसले के, आज भी हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाने के लिए बैठे हुए हैं। आप ये अनर्गल बयानबाजी ना करें कि आक्रमण किया था। हम अगर बाबरी मस्जिद का ही मामला आपके सामने रखते हैं तो जवाब नहीं होंगे आपके पास। आप बताइए 1949 में जो वहां मूर्तियां रखी थी, क्या था वो? मौलिक अधिकार, मूर्तियां रखी थी, चोरी से रखी थी। चोर आप, चोर कहते हैं आपको, हम आपको चोर कहते हैं। आप तब तक ना करें, इसे दुर्भाग्य। अरे हम नमाज पढ़ते आए हैं, नमाज पढ़ेंगे। आप कौन होते हो? अभी न्यायालय। अरे आप कौन होते हो ये बात कहने वाले भाई? पूजा पाठ करने दीजिए। यदि आप न्यायालय के खिलाफ बोल रहे हो, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए दादागिरी दिखा रहे हो चैनल पर बैठ करके, लेकिन देश की समाज व्यवस्था को खराब। नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा वहाँ पर, नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा वहाँ पर। हाफिज नूर साहब आपसे भी गुजारिश है और शास्त्री जी आपसे भी गुजारिश है, एक दूसरे की पूजा पद्धतियों का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे की पूजा पद्धतियों का सम्मान करते हुए आप अपनी बात बहुत आसानी से रख सकते हैं अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो। यतिमा किस तरह से आप देखती हैं? और ये तो पूरा का पूरा मामला अदालत में है, अदालत जो फैसला देगी वो सबको मान्य होगा ना, वो हिंदू पक्ष को भी मान्य होगा ना। देखिए मान्य होगा समीर जी, उसका कारण ये है कि इस देश की अदालतें कोई भी फैसला देंगी तो वो मैंडेटरी होगा, वो चाहे इच्छा से माने चाहे अनिच्छा से माने, मानना ही होगा। सही बात है, किसी भी पक्ष के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो उस फैसले को ना माने। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से धमकियां, एक सेकंड सुन लीजिए, तसल्ली रखिए। आप लोग कहते हैं कि विवादित जगह पर जहाँ बुत परस्ती होती हो वहाँ पर हमारी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता, तो आज जो पश्चिम दरवाजा है मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, वो तो मंदिर का है, फिर वहाँ नमाज कैसे अदा कर रहे हैं? इस्लाम के दो चेहरे हैं क्या? एक मौजूद सवाल, एक मिनट, ये एक मौजूद सवाल उठाया गया है। रंगरेज साहब मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए। यतीमा जिन बातों का जिक्र कर रही है कि इस्लाम में विवादित जगहों पर नमाज कबूल ना करने की बात की गई है, एएसआई का साइंटिफिक सर्वे कहता है भाई यहां पर हिंदू मंदिरों के तमाम सबूत बिखरे पड़े हैं, ऐसे में वहां पर नमाज इस्लाम के नुक्ते नजर से जायज है क्या? मैं अब बताता हूँ इसमें, जल्दी से मैं एक बात बता रहा हूँ समीर भाई, कि बार बार जो कहा जा रहा है कि वहां पर नमाज तो वहां 500 साल से हो रही है और वहां पर किसी तरीके का हिंदू पक्ष का कोई दावा नहीं है। ये जो ये और जो वहां पर ये व्यास की गुफा है वो मस्जिद से बाहर का एरिया है, उससे वहां पर किसी तरीके का कोई बात नहीं। देखिए ठीक है, देखिए ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदालतों के सामने सिर्फ तथ्य काम आएंगे, सबूत काम आएंगे। अभी दोनों पक्ष अदालत के सामने, हमें इंतजार करना होगा कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का। अभी इस वक्त हमें चलना होगा, हमारे दो सहयोगी सुरभि और निधि इस वक्त मौजूद है दिल्ली में, काफी हलचल है। ओवर टू यू सुरभि और निधि।